हेलो एवरीवन, आज हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों को। और यहाँ पर देखो, जब हम क्लास 11th में फिजिक्स में चैप्टर्स पढ़ते हैं मोशन वगैरह, तो यहाँ पर हर जगह डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज यूज होते हैं डेरिवेशन में, तो आज हम वही सब कवर करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके जितने भी डाउट्स हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड, वो सारे क्लियर होने वाले हैं एक ही वीडियो में। सो वीडियो को एंड तक प्लीज जरूर देखना, कोई कॉन्सेप्ट मिस मत करना। तो शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से, उसके बाद हम करेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं डिफरेंशिएशन का, ठीक है? तो हम शुरुआत करते हैं डिफरेंशिएशन से। सो डिफरेंशिएशन अगर आपको सीखनी है ना, तो आपको कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो है डिफरेंशिएशन के वो याद रखने होंगे, ठीक है? और कुछ बेसिक फॉर्मूलाज क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बता देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है? सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है डी बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, वो हमेशा जीरो होता है। सेकंड फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पर वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन होता है वन। देन डी बाय डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई टू दी पावर एक्स, और फिर इस एक्स का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ई टू दी पावर एक्स। देन डी बाय डी एक्स ऑफ हम लॉग एक्स करेंगे, तो लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो वन अपॉन एक्स होता है, ध्यान रखना है, ठीक है? अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आएंगी जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो पहली ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आएगी हमारे पास डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कॉस एक्स होता है, ठीक है? देन डी बाय डी एक्स ऑफ, अब कॉस एक्स हो जाएगा, तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है। तो मैं जितने फॉर्मूलाज बता रहा हूँ ना, बस इतने फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो आपका काम चल जाएगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है? बहुत बेसिक से फॉर्मूलाज हैं, इजी फॉर्मूलाज। नेक्स्ट हम चलते हैं डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स, तो टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर एक्स होता है, sec स्क्वायर एक्स होता है। देन टेन एक्स के बाद हम आ जाते हैं cot x पे, तो d बाय डी एक्स ऑफ cot x, तो cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स। देन d बाय डी एक्स ऑफ, अब क्या बचता है, tan की sin cos हो गया, tan cot हो गया, अब cosec x का करते हैं, तो cosec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस cosec x मल्टीप्लाई cot x, ठीक है? ये ध्यान रखना है। देन दो टर्म हमारे पास और बचती हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। तो कोसेक के बाद आता है सेक एक्स, तो सेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स और टेन एक्स। और लास्ट में एक टर्म बचती है जिसकी होती है डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू दी पावर एक्स, ठीक है? तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू दी पावर एक्स देन लॉग ई ए, तो लॉग टू दी बेस ई ए है, ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज अगर आपको ध्यान रखने हैं, अगर ये फॉर्मूलाज आपको याद हो गए हैं, तो हम डिफरेंशिएशन सीखना और करना एकदम से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज नोट कर लो, ठीक है? और इनको अपने पास रखना है जैसे ही हम डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से, ठीक है? बहुत बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट से वाई इज इक्वल्स टू 2x square plus 3, ये क्वेश्चन है y is equals to 2x square plus 3, और हमें यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो कैसे करेंगे? देखो अब सीखना है, ठीक है? तो जब भी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल, ये क्या है कॉन्स्टेंट और ये क्या है वेरिएबल, जब भी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल आपस में मल्टीप्लीकेशन में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिख दिया जाता है, ठीक है? कॉन्स्टेंट के साथ कोई छेड़ाखानी नहीं करनी है, उसको एज इट इज लिख देना है, और फिर जो वेरिएबल होगा ना उसका डिफरेंशिएशन करना है। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर, एक्स, तो एक्स स्क्वायर, सॉरी, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अभी मैंने बताया कि एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टू एक्स टू दी पावर टू माइनस वन, मतलब टू एक्स हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे टू मल्टीप्लाई डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ थ्री। तो देखो ये 2 आ गया और d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हमने कैलकुलेट किया, 2x, तो ये आ गया 2x प्लस। अब ध्यान रखना है, जब कॉन्स्टेंट अकेला होता है उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। अभी ये जस्ट हमने फॉर्मूलाज में देखो, अभी हमने जस्ट फॉर्मूला में यही चीज देखी कि d बाय डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट कितना होता है, जीरो। बट अगर इस कॉन्स्टेंट के साथ वेरिएबल होगा, जैसा कि यहां पर था 2x स्क्वायर में, तो कॉन्स्टेंट को एज इट इज लिख देना है
और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देना है। सो हमारा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 4x। तो dy बाय डी एक्स कितना आ गया 4x। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन सीखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 5 प्लस एक्स क्यूब प्लस 10। एक क्वेश्चन लिया हमने, ठीक है, हमें dy बाय डी एक्स कैलकुलेट करना है। तो dy बाय डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 5 का करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1 मतलब 4, देन प्लस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3 एक्स टू दी पावर 3 माइनस 1 मतलब 2, और 10 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। तो यहां से हमारा dy बाय डी एक्स आ जाएगा 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन किया जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम थोड़ा अच्छा सा। y इज इक्वल टू एक्स प्लस रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में देखने के लिए मिलता है तो dy बाय डी एक्स निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो समझना ये सब प्लस है इनके बीच में ना, तो x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा 1। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखना है आपको dy बाय डी एक्स ऑफ x, तो फिर वो 1 हो जाएगा। मैं सिर्फ सिखा रहा हूं, तो मैं कुछ स्टेप कम कर दे रहा हूँ। तो x का डिफरेंशिएशन आ गया 1। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पर बच्चे अटक जाएंगे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। देखो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला आपको नहीं पता है, लेकिन आपको एक्स टू दी पावर हाफ का तो पता है ना, क्योंकि रूट एक्स को हम एक्स टू दी पावर हाफ लिख सकते हैं, और हाफ एक्स टू दी पावर हाफ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, हाफ एक्स टू दी पावर हाफ माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर माइनस हाफ, और नीचे आके एक्स टू दी पावर हाफ बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर हाफ मतलब रूट एक्स। ठीक है, देन प्लस, अब 1 अपॉन रूट एक्स है तो 1 अपॉन रूट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टू दी पावर हाफ, और ये एक्स टू दी पावर हाफ ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा एक्स टू दी पावर माइनस हाफ। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा माइनस हाफ और एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 मतलब माइनस हाफ माइनस 1। तो ये हो जाएगा माइनस हाफ एक्स टू दी पावर माइनस 3 बाय 2। तो नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2। तो यहां पर इसको हम प्रॉपर लिख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स कितना आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स और माइनस 1 अपॉन 2 एक्स टू दी पावर 3 बाय 2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम डिफरेंशिएशन करते हैं किसी भी वैल्यू की। अब देखो डिफरेंशिएशन में जरूरी नहीं है कि हमें सिंपल इस तरह से ही क्वेश्चन मिलते रहेंगे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो थोड़े टिपिकल हो जाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएशन में हमेशा ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन कभी कभी टिपिकल हो जाते हैं। तो उन टिपिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ रूल होते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है और चेन रूल क्या होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट रूल के बारे में। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल, देखो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, बहुत सिंपल सी बात बोलता है कि लेट से कोई भी दो टर्म है, डी बाय डी एक्स ऑफ दो टर्म है और दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो यहां पर मैंने फर्स्ट टर्म को यू मान लिया है और सेकेंड टर्म को वी, तो मैं लिख देता हूं यू क्या है फर्स्ट टर्म और वी क्या है सेकेंड टर्म। ठीक है, तो ये दोनों टर्म मल्टीप्लीकेशन में है। तो प्रोडक्ट रूल कहता है कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, डिफरेंशिएशन को हम लिखेंगे dv बाय dx प्लस, फिर सेकंड टर्म को लिख दो और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो तो du बाय dx। ठीक है, इसको बहुत सारी बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है कि u और v डैश प्लस v u डैश। तो u इस v डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ v और u डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब इसे फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं, मतलब इस फॉर्मूला को क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन ले लेते हैं y इज इक्वल टू, इस तरह का कोई क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और प्रोडक्ट में एक और टर्म गिवन है 3x प्लस 4। ठीक है, ये 3x प्लस 4 है, ध्यान रखना 3x। तो इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगी, अगर आप सिंपल फॉर्मूला से करोगे तो पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर जो टर्म्स हमें मिलेंगी फिर उनका डिफरेंशिएशन करना है। तो इतना लंबा जाना नहीं है, हमें सिर्फ क्या करना है, इसको फर्स्ट टर्म मान लेना है और इसको सेकेंड टर्म मान लेना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है कि dy बाय dx क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दो तो
तो फर्स्ट टर्म को हम एज इट इज लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर, और सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो। अब सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस फोर। देखो 3x प्लस फोर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 3x मतलब 3 को लिखेंगे और x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि dx अपॉन dx कितना होता है 1, प्लस 4 अकेला है और कॉन्स्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। सो आंसर विल बी 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 प्लस। अब सेकंड टर्म को एज इट इज लिख दो, तो सेकंड टर्म को एज इट इज लिख देते हैं 3x प्लस 4। अब फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, 2x आ जाएगा, और 4 का करेंगे तो 0, तो रिजल्ट विल बी 2x, तो यहां पर आ जाएगा 2x। तो dy बाय dx आ गया हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x 3x प्लस 4। अब इसको चाहे तो हम फर्दर सॉल्व भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे सॉल्व करना नहीं सीख रहे, हम डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वही सीख रहे हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। देखो अगर अभी तक कोई डाउट आया है ना, तो प्लीज उस कॉन्सेप्ट को जाके एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से देखो, क्योंकि अगर यहां पर कोई डाउट है तो आगे जाके सीधी सी बात है ज्यादा डाउट हो जाएंगे, तो यहां से ही डाउट क्लियर करते चलना है, ठीक है। पहली चीज मैंने क्या बोली कि फॉर्मूलाज ध्यान रखो, अगर फॉर्मूलाज याद है तो काम चल जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चंस देखो, बेसिक क्वेश्चंस हमने किए, ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस हमने किए। फिर हम प्रोडक्ट रूल पे आ गए, तो प्रोडक्ट रूल में हमने सीखा है, तो अच्छा एक काम करते हैं, प्रोडक्ट रूल में एक क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन रूल की तरफ। तो प्रोडक्ट रूल में एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि y इज इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 7 और 4 इसको ले लेते हैं x, 4x प्लस 5 इस तरह ले लेते हैं। तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको हम v मान लेते हैं, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा, तो dy बाय dx क्या होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, फिर या फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखो, है ना, फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7, और फिर सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ 4x प्लस 5, ठीक है, प्लस फिर 4x प्लस 5 को एज इट इज लिख दो और डिफरेंशिएशन कर दो किसका, 3x स्क्वायर प्लस 7 का, 3x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन कर दो। सो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 3x स्क्वायर प्लस 7 एज इट इज लिखो, अब 4x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन करो, तो देखो 4x का डिफरेंशिएशन तो 4 हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन 1, और 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 4, फिर 4x प्लस 5, अब 3x स्क्वायर प्लस 7 का डिफरेंशिएशन करना है तो 3 को एज इट इज लिखो और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, ठीक है। कैसे आया है फॉर्मूला लगा के देखो, एक्स टू दी पावर एन का क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 एक्स टू दी पावर 2 माइनस वन, मतलब 2x हो जाएगा, है ना, तो 3 2 जा 6, तो 6x आंसर आ जाएगा क्योंकि 7 का तो 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट रूल में। सो आई होप क्लियर हो गया होगा प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड रूल की तरफ जो कि है क्वेश्चन रूल, ठीक है। देखो हम एक टॉपिक के ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि अभी हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, अभी देखो क्वेश्चन रूल पढ़ना है, देन चेन रूल पढ़ना है, और चेन रूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फिर इंटीग्रेशन पे आना है, इंटीग्रेशन दो तरह के होते हैं, डेफिनेट इनडेफिनेट, हमें दोनों ही कवर करने हैं, तो हमें सारा कवर करना है, ठीक है, तो इस वजह से हम हर एक टॉपिक को इक्वल टाइम देंगे। चलो अब क्वेश्चन रूल पे आते हैं, ठीक है, चलिए क्वेश्चन रूल, तो क्वेश्चन रूल की बात अगर हम करें, क्वेश्चन रूल क्या बोलता है, देखो क्वेश्चन रूल बोलता है कि d बाय dx और दो टर्म है जो क्वेश्चन में, इस तरह से u अपॉन v की फॉर्म में, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो देखो सेकंड टर्म को लिखो, डिनोमिनेटर को लिखो v को, और फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन कर दो, फिर माइनस का साइन लगाना है, ठीक है, फिर फर्स्ट टर्म को लिख दो, बच्चे इस फॉर्मूले में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, ये होता है क्वेश्चन रूल, ठीक है, बहुत इजी है। क्या कहा मैंने, u अपॉन v, u क्या होता है न्यूमिनेटर और v क्या होता है डिनोमिनेटर, ठीक है, ये होता है हमारा न्यूमिनेटर और ये होता है हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है, ये ध्यान रखना है।
तो सबसे पहले क्या करो, डिनोमिनेटर को लिख दो। देखो अपॉन में जिसका स्क्वायर होगा ना उसको पहले लिख दो, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो माइनस, फिर जिसका डिफरेंशिएशन हुआ अब उसको लिख दो, और जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना है। अब इसे एक क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। सो जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 अपॉन 2x प्लस 3। सिंपल हो गया ना, इसको स्क्वायर कर देते हैं थोड़ा ठीक हो जाएगा। सो अब हम dy बाय dx करते हैं। देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले v लिखेंगे, तो ये तो हमारा u हो गया और ये हमारा v हो गया, तो सबसे पहले v लिख दो, तो v को लिखेंगे 2x प्लस 3। अब क्या करेंगे, du बाय dx, तो d बाय dx ऑफ u, तो u कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस साइन लगाएंगे, फिर u लिखेंगे, तो u कितना है 3x स्क्वायर प्लस 4, और dv बाय dx, तो d बाय dx ऑफ v मतलब 2x प्लस 3, और अपॉन में v स्क्वायर लिखना है, अपॉन v स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर देखो dy बाय dx इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2x प्लस 3, और देखो d बाय dx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4, देखो 3x स्क्वायर प्लस 4, तो ये कॉन्स्टेंट है ये वेरिएबल है, तो पहले कॉन्स्टेंट को लिखेंगे और फिर वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आएगा 2x। ठीक है, और 4 का हो जाएगा 0, तो 3 2 जा कितना होता है 6, तो आंसर विल बी 6 और एक्स, फिर माइनस, फिर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4, अब बचता कितना है 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 का करते हैं इसका तो 0 हो जाएगा, और 2x का 2 लिखेंगे और x का हो जाएगा 1, तो 2 1 जा 2, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। लो जी हो गया आपका डिफरेंशिएट ये कोशेंट रूल से। ठीक है, कितना इजीली डिफरेंशिएट हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए तो हम कितना भी लंबा सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी नॉर्मल मैथ्स है। ठीक है, इतना तो आपको आता ही होगा सॉल्व करना। तो हमारा यहाँ पे वीडियो का जो मेन पर्पज है सेशन का, वो है इन डिफरेंशिएशन सिखाना किस तरह से करते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन रूल भी क्लियर हो जाना चाहिए, बहुत इजी है। ठीक है, प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्वेश्चन रूल क्लियर हो गया होगा, और जो हमने बेसिक फॉर्मूलाज देखे और उसका डेरिवेशन देखा वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो वीडियो में आगे बढ़ना, अदरवाइज इसको फिर से देखना पड़ेगा क्योंकि आगे जाके कंफ्यूजन बढ़ जाएगी चेन रूल में अगर यहां तक नहीं आया समझ। ठीक है, तो अब हम शुरू करने वाले हैं अपना चेन रूल। अब हम क्या शुरू करेंगे, चेन रूल। ठीक है, तो चेन रूल शुरू करते हैं। देखो चेन रूल क्यों, चेन में क्या होता है ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी से चौथी कड़ी किस तरह से अटैच्ड होती है। ठीक है, एक चीज से दूसरी चीज अटैच्ड होती है, दूसरी से तीसरी, तो इस तरह से एक चेन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो यहां पर भी बेसिकली ऐसे ही होता है, चेन रूल का कोई फॉर्मूला नहीं है, बट इसमें थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है और प्रैक्टिस से ये अच्छे से आ जाता है। देखो क्वेश्चन, देखो y इज इक्वल्स टू क्वेश्चन ले लेते हैं साइन और 3x प्लस 4। तो चेन रूल क्या कहता है, पहले बड़े फंक्शन का, मेन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करो, और ऐसे ही सबका डिफरेंशिएशन कर दो। ठीक है, अब किसी क्वेश्चन में दो फंक्शन होते हैं, किसी में तीन फंक्शन होते हैं, किसी में चार, तो देखते हैं चलो। ठीक है, डी वाई बाय डी एक्स, सबसे पहले तो ये एज्यूम कर लो कि ये जो 3x प्लस 4 है ये एंगल है, ये क्या है एंगल है, एंगल है, तो ये क्या बनता है साइन थीटा या साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है कॉस एक्स, तो यहां पर हम लिखेंगे कॉस एक्स, तो कॉस और एक्स, एक्स कितना है 3x प्लस 4। उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करो, एंगल थोड़ी ना बच जाएगा, पहले तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया साइन एक्स का, वो हो जाएगा कॉस एक्स, और एक्स की जगह कितना था 3x प्लस 4, तो उसको भी एज इट इज लिख दिया, बट इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 3x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अब एंगल का डिफरेंशिएशन होगा, तो मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और फिर एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4। इसी को बोलते हैं चेन रूल, कि फंक्शन के अंदर जो फंक्शन है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कोस 3x प्लस 4 मल्टीप्लाई, अब dy बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 4 तो 3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3x में 3 पहले लिखेंगे, x का 1 हो जाएगा, 4 का 0, तो रिजल्ट विल बी 3, सो आंसर विल बी 3 कोस
थ्री एक्स प्लस फोर, देखो कितना सिंपली हो गया है सॉल्व, है ना। तो ये होता है हमारा चेन रूल। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा चेन रूल क्या होता है। चेन रूल के हम थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलतियां बहुत करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। तो ये एक क्वेश्चन है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स करना है। तो देखो सबसे पहले तो देख के ये पता चल रहा है कि ये जो हमें फंक्शन दे रखा है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ई टू ई की पावर में कुछ है, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर में कुछ है। तो अगर हम अपने फॉर्मुला पे चलते हैं, ठीक है, वैसे तो आपको याद होगा कि e की पावर x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, e की पावर x ही होता है। तभी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ठीक है। ये देखो सबसे टॉप पे d by dx of e to the power x, e to the power x, और फिर यहाँ x का भी हुआ होगा लेकिन वो आंसर 1 आया होगा तो इसलिए लिखा नहीं है, ठीक है। फिर पावर का होता है, तो सबसे पहले तो e to the power x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो यहाँ पर e to the power x का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो d by dx of e to the power 3x square plus 5x प्लस फोर, ठीक है। देखो मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं अब यहाँ पे, मैं ऐसे एकदम से नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो कर दूंगा लेकिन अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर वो फायदा नहीं है, ठीक है। ये कोई मेरा एग्जाम नहीं चल रहा है, आपको सिखाना इस वीडियो का मेन पर्पज है। तो मैं यहाँ पे हर एक स्टेप लिख रहा हूँ चाहे वीडियो थोड़ी लंबी क्यों ना हो जाए। फिर मल्टीप्लाई, अब हमने एक्सपोनेंशियल की पावर का एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो कर दिया, अब हम पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पावर में क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर। अब तो कोई फंक्शन नहीं बचा है ना, दो ही फंक्शन थे, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन था और एक क्वाड्रेटिक था, दोनों का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर एक्स का तो ई टू दी पावर एक्स ही आ जाएगा प्लस फाइव एक्स प्लस फोर मल्टीप्लाई, और डी बाई डी एक्स इसका कितना आ जाएगा, सिक्स एक्स प्लस फाइव, ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया होगा ना इसका क्यों आया है, क्योंकि थ्री एक्स स्क्वायर में थ्री को लिखेंगे एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टू एक्स, प्लस फाइव एक्स में फाइव को लिखेंगे एक्स का हो जाएगा वन, और फोर तो कॉन्स्टेंट तो जीरो, तो थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस फाइव, तो यहाँ पे वही लिख दिया मैंने सिक्स एक्स प्लस फाइव। सो आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, बहुत ईजी है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बहुत ईजिली समझ जाओगे, ठीक है। पूरी वीडियो में बने रहो, बहुत ईजिली ये चीज समझ में आ जाएगी, इसके बाद कभी भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में कोई प्रॉब्लम आपको रुला नहीं पाएगी, ठीक है। आप इजली सॉल्व कर दोगे, आप ही प्रॉब्लम को रुला दोगे। तो डीवाई बाई डी एक्स हो गया, है ना। एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, देखो लेट से वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो वाई इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स का मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये जो एंगल है उसका स्क्वायर थोड़ी ना, फंक्शन का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो सबसे पहले तो इसको पूरे को एक्स मान लो, ठीक है। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, मतलब टू माइनस वन, ठीक है। फिर ये तो अपने पावर का डिफरेंशिएशन किया, अब हम इस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब अब हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले हमने साइन एक्स को एक्स मान लिया और एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन किया पावर वाला, तो ये हो गया एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, समझ में आया ना इतना। फिर हम इस बेस का जिसको हमने साइन एक्स माना था, साइन एक्स को जो हमने माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसी को तो बोलते हैं चेन रूल, छोड़ना किसी को नहीं है, सबको पकड़ पकड़ के सबका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। ट्वाइस ऑफ साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है कॉस एक्स, तो टू साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है साइन टू एक्स, मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा ना टेंथ क्लास में, तो ये आ गया, ठीक है। देखो कितना इजी है डिफरेंशिएशन करना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ फटाफट, मेरे को आप इसको कॉमेंट में बताना इसका आंसर कितना आएगा। तो वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स, आप कॉमेंट सेक्शन में इसका आंसर दोगे, ठीक है, कि वाई इज इक्वल टू टेन क्यूब एक्स कितना होगा डिफरेंशिएशन, इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए मैं और क्वेश्चन दे देता हूँ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन की होल पावर फोर, या y इज इक्वल टू कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, बहुत ईजी है, आप ट्राई करोगे तो हो जाएंगे ईजिली, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, देखो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन फिनिश, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है इंटीग्रेशन, ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है दोस्तों। देखो इंटीग्रेशन,
आई होप डिफरेंशिएशन तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का उल्टा ही होता है इंटीग्रेशन। बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक कर देना चीजों को, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, चीजों को इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन सीखते हैं। अब जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए कुछ बेसिक फॉर्मूलाज देखे, ऐसे ही इंटीग्रेशन के लिए भी कुछ बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है वो रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वन डॉट डी एक्स जो होता है वो होता है एक्स, वो क्या होता है, एक्स होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन जो होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। देखो एग्जाम्पल से बताता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो ये 2x कहलाता है, तो अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन कर दूं ना तो ये वापस x स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी हम जिनको तोड़ रहे हैं अब हम वापस उन्हीं को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं अपने, उनको हम देख लेते हैं पहले। तो 1 अपॉन x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता होगा, 1 अपॉन x, अभी हमने पढ़ा था, है ना, रिवर्स हो जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ k डॉट dx का हो जाता है kx। ठीक है, के एक्स का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो सिर्फ के मिलता है, और सिर्फ के का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो के एक्स बन जाएगा वापस से। ठीक है, अच्छा एक बात और कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर हम फिजिक्स के लिए कर रहे हैं इसको, तो हम इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, बट मैथ्स में 12th क्लास में जब आप जाओगे तो वहां पे इंटीग्रेशन जब भी करते हैं तो एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा क्योंकि cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x। ऐसे ही cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो साइन x होता है। ऐसे ही sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x। ऐसे ही cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cot x, क्योंकि cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन तो e टू दी पावर x ही होता है इंटीग्रेशन, है ना। और sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x होता है। और एक फॉर्मूला हमारे पास और बचा है, उसको भी हम देख लेते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आगे जाके। फॉर्मूला है cosec x मल्टीप्लाई cot x dx, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस cosec x। ठीक है, सो आई होप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आप याद कर लोगे, बिकॉज अगर ये याद नहीं है तो एग्जाम में तो ये फॉर्मूलाज लेके आप जाओगे नहीं पर्ची बना के, तो इनको याद करने में ही भलाई है। ठीक है, इनको याद करने में ही आपका फायदा है। तो अगर ये फॉर्मूलाज, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज नहीं है, बहुत कम फॉर्मूलाज है, अगर ये फॉर्मूलाज याद हो गए तो फिर तो बल्ले बल्ले है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इंटीग्रेशन के। चलिए देखो, अब मैं दोस्तों आपको सिखाऊंगा इंटीग्रेशन। देखो दो तरह की होती है, एक होती है डेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होती है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो इनडेफिनेट पढ़ने वाले हैं। दोनों में अंतर समझ लेते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इनडेफिनेट इंटीग्रल की अगर बात करें ना, तो इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और छोड़ देना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करके छोड़ देना है। बट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होती है ना, उसमें इंटीग्रेशन करनी है और फिर लिमिट्स भी पुट करनी होती है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो है दोनों सेम, बस उसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है। तो हम एक एक करके दोनों को करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम बात करें, देखो कि क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 3 dx, ये दे रखा है। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है, इस तरह का साइन गिवन होगा, तो समझ जाना इस तरह का साइन है तो इंटीग्रेशन करना है। और डेफिनेट में यहाँ पर लिमिट्स गिवन होती है, यहाँ पर भी कुछ लिखा रहेगा और ऊपर भी कुछ लिखा रहेगा, तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, तो ये इसका मतलब ये इनडेफिनेट का क्वेश्चन है। तो इंटीग्रेशन करते हैं इसकी। ठीक है, देखो इंटीग्रेशन करना है, फिर से वही रूल, अगर कॉन्स्टेंट और वेरिएबल प्रोडक्ट में है तो पहले कॉन्स्टेंट को लिख दो और वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर दो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस। अब देखो हमेशा ध्यान रखना, अगर कॉन्स्टेंट सिंगल लिखा हुआ है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, बट उसका इंटीग्रेशन कभी जीरो नहीं होता है, ये ध्यान रखना। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, लेकिन उस कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो 5 अब एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा था एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस। अब इंटीग्रेशन ऑफ के का जो मैंने इंटीग्रेशन बोला था वो बताया था के एक्स हो जाता है, तो यहाँ पर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, और साथ में एक कॉन्स्टेंट लगाना है, ये मत भूलना इंटीग्रेशन करते टाइम एक कॉन्स्टेंट जरूर लगाते हैं। इसका रीजन ये है कि हो सकता है अगर कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में रहा हो और डिफरेंशिएशन करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो आंसर हमारा लगभग लगभग सेम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन था, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, और डीप में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन एक्स माइनस 2 बाय एक्स डी एक्स, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसका इंटीग्रेशन करना सीखते हैं, ठीक है। तो वाई इज इक्वल्स टू, अब ये 4 बाहर हम लिख देंगे और ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर माइनस 2 हम बाहर लिखेंगे और ये हो जाएगा यहाँ पे dx भी लिखना है, साइन एक्स डी एक्स, क्योंकि जब इंटीग्रल का साइन आता है तो dx जरूर लिखते हैं, ध्यान रखना दोस्तों। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx, तो y इज इक्वल्स टू, अब देखो ध्यान से देखना, 4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन जस्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मुले में बताया था माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ फॉर्मुलाज याद रखो। माइनस टू, अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स, तो देखो बच्चों यहाँ पे इंटीग्रेशन पूछ रखा है 1 अपॉन एक्स का, और 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया फॉर्मुले में लॉग एक्स होता है, ठीक है। देखो ये देखो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो लॉग एक्स होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस टू और इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा लॉग एक्स, और प्लस करके एक कॉन्स्टेंट लिख देना है सी, तो फॉर्म आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा माइनस 4 कॉस एक्स माइनस 2 लॉग एक्स प्लस सी। कितना इजी है, देखो कितना इजीली क्वेश्चन बन रहे हैं इंटीग्रेशन के, ठीक है, बस हवा बना रखी है कि इंटीग्रेशन आता नहीं है हमको, ठीक है, बहुत इजी है इंटीग्रेशन यार। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इंटीग्रेशन का, ठीक है। y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्वेश्चन दे रखा है 4 cos t प्लस t स्क्वायर मल्टीप्लाइड dt, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो 4 वेरिएबल के साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ है, तो इसको बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ cos t, और यहाँ पर देखो यहाँ पर t है वेरिएबल, तो यहाँ पर dx नहीं लिखेंगे, यहाँ पर dt लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर dt। अब देखो 4 cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, अब cos t का sin x मत लिखना, जब वेरिएबल t है तो रिजल्ट में भी आंसर में t वेरिएबल लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा cos t का sin t प्लस, अब देखो t स्क्वायर है तो हम t स्क्वायर का क्या लिखेंगे, t टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, फॉर्मूला याद है ना, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, तो ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, और साथ में क्या लगाएंगे एक कॉन्स्टेंट लिख देंगे, तो देखो ये हो गया बच्चों डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो बहुत इजी है इंटीग्रेशन, ठीक है, बट सिर्फ समझते चलना है, अगर आप समझते रहोगे तो इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इजी है। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एक क्वेश्चन हमेशा की तरह आपके लिए, फटाफट इसे ट्राई करो, अभी ट्राई करो, ठीक है, और y इज इक्वल्स टू, चाहे आप वीडियो कितना ही लेट देख रहे हो लेकिन क्वेश्चन साथ साथ ट्राई किया करो, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट माइंड में आपके, वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट उड़ जाएंगे, तो साथ साथ ट्राई कर दो एक इंटीग्रेशन, ठीक है। इंटीग्रेशन बोल रखा है 3x स्क्वायर प्लस 4 cos x और कोई कॉन्स्टेंट ले लेते हैं 3, तो इसका इंटीग्रेशन करके बताओ, ठीक है, देखो क्या हो रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व आपसे। इसके बाद हम चलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स पे, ठीक है, इसके बाद हम करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को, देखो बहुत इजी है डेफिनेट इंटीग्रल्स भी, ध्यान से समझना बस, डेफिनेट इंटीग्रल्स यहाँ पर बस जैसे अभी तक हमने सीखा है बिल्कुल वैसा ही है, बट यहाँ पर लिमिट्स गिवन होती हैं, तो इसलिए इनको डेफिनेट इंटीग्रल्स बोलते हैं, क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल है, वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स, तो ये देखो इनडेफिनेट का क्वेश्चन है, बट मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा ना 2 से लेके 4 तक, लोअर लिमिट 2 है अपर लिमिट 4 है, तो ये कहलाएगा डेफिनेट इंटीग्रल। मतलब देखो बहुत सारे मोती हमको दिए गए, ठीक है, एक चेन थी बहुत सारे मोती की और इसको हमने ब्रेक कर दिया, मतलब डिफरेंशिएट कर दिया, अब हमें इसको दोबारा पहनो ना धागे में मोती को, तो
अगर हम सारे मोती पहनाते हैं तो वो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, बट अगर मैं बोलूं यहां से लेके यहां तक के ही मोती इसमें पिरोने हैं तो ये कहलाएगा डेफिनेट, क्योंकि हमें लिमिट दे दी यहां से लेके यहां तक ही इसको इंटीग्रेट करो बस। तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन में लिमिट दे दी है कि 2 से लेके 4 तक ही इसको इंटीग्रेट करो, तो कोई बात नहीं हम करेंगे इंटीग्रेट। देखो सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स, कहां से कहां तक, 2 से लेके 4 तक, प्लस या एक काम करते हैं ना इसको एक साथ इंटीग्रेशन कर देते हैं, अलग अलग लिखने से बच जाएंगे हम, ठीक है हमारा टाइम बच जाएगा कि हम इसको एक साथ लिखते हैं। देखो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x^2+1/2+1, मतलब x³/3 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे x³/3 प्लस, अब ये 2 क्या है, कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इंटीग्रेशन सॉरी, तो ये होता है kx, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2.dx कितना हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, यहां पर आपको कॉन्स्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है डेफिनेट में यहां पर, क्योंकि लिमिट सेम है, तो लिमिट कहां पे कहां हो जाएगी, 2 से लेके 4 तक। जैसे ही इंटीग्रेशन किया इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है इंटीग्रेशन की वैल्यू को, और लिमिट को इस तरफ लिख देना है 2 से लेके 4 तक। अब सॉल्व तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, सॉल्व करने का तरीका होता है पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, अपर लिमिट कितनी है 4, तो ये हो जाएगा 4³/3+2 4 जा 8, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2³/3+4। सो अब यहां से आंसर आने वाला है, ठीक है, देखो 4³ कितना होता है, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64/3+8, और ये हो जाएगा -8/3+4। अब देखो अब तो ये सिंपल मैथ से हम जितना इसको सॉल्व करना चाहें, ठीक है, यहां पर एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये 64, और ये 3 8 जा 24, और यहां पर हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ये 8 और ये 12, तो ये कितना हो जाएगा 4 और 4 8 6 और 2 8 88/3 - 20/3, तो ये कितना हो जाएगा 68/3 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स को सॉल्व, मतलब करना इंटीग्रेशन ही है, करना इनडेफिनेट ही है, बट लास्ट में क्या करना है, लिमिट पुट कर देनी है। ठीक है, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, कि क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ √x/dx, कहां से कहां तक, 1 से लेके 4 तक। ठीक है, अब देखो हमें पता है रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, रूट एक्स को हम क्या लिखेंगे, x^2½, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ½+1/(½+1), तो ये हो जाएगा x^3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 3/2, तो इसको 2 ऊपर चला जाएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, तो रिजल्ट विल बी 2/3 x^3/2। ठीक है, कहां से कहां तक, 1 से 4 तक। अब एक काम करते हैं वैल्यू पुट करते हैं, सो 2/3, और ये क्या हो जाएगा 4^3/2 -2/3 और 1^3/2, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो 4^3/2 अगर आपको सॉल्व करना नहीं आता तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2^2 × 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2^3 कितना होता है 8, तो ये हो जाएगा 2/3 × 8 और -2/3 × 1, तो बहुत सिंपल है। ठीक है, 2 8 जा 16/3 - 2/3, तो आंसर विल बी 14/3, तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हम करते हैं बच्चों डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो आई होप क्लियर हो गया होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ठीक है, किस तरह से इंटीग्रेशन की जाती है और किस तरह से डिफरेंशिएशन की जाती है। वैसे तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन और ढेर सारी चीजें हैं जो हमें क्लास 12th की मैथमेटिक्स में पढ़नी है, ठीक है, कैलकुलस में बहुत सारे चैप्टर्स हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, तो वहां पे हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में जान सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। बट अभी आपको जितना फिजिक्स में या किसी और सब्जेक्ट में, मतलब केमिस्ट्री में भी, जितनी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की नीड पड़ेगी 11th 12th में, वो हमने कवर कर ली है। ठीक है, साइंस में जितनी नीड पड़ने वाली है वो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। आई होप जितना हमने कोशिश की है समझाने की आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।